तो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग बना रहा हूँ मैं थोड़े से रोहन भैया की तरफ, क्योंकि उनके दर पर रखी हुई दीवारी आज 9 से 10 दिन कंप्लीट हुआ है, तो उनकी बारी का था हवन रोहन भैया रहे। तो पीछे ये हो रहा हवन और रोहन भैया का ये थोड़ा सा टेंट खिंचा हुआ है और ये रखे हूँ डीजे। तो अभी लाइट चली गई नहीं तो वो डीजे भी चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्या भोजी हो रहा था, लेकिन वो क्योंकि कन्या भोज तो कंप्लीट हो चुका था, सारी कन्या ने मतलब भोजन कर लिए थे, और लेकिन अभी हवन अकेला बचा था, हवन होगा और उसके बाद फिर शाम को, अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, फिर शाम को फिर बारी भी उठ जाएंगे। अभी तो 12:30 बजे हैं, तो 4-5 बजे करीब बारी भी ठंडी हो जाएंगी। तो लास्ट ये रोहन भैया की बारी और बच्ची माँ की, पूरी गांव पूरी बारी ठंडी हो गई। तो शाम को मिलते हैं, जब बारी ठंडी होने लगी तब मिलते हैं। सो गाइस, मैं था अभी बड़े भैया उनके दर पे, तो मतलब उनके बड़े भैया उनके पिताजी की कल 12 मासी है, तो इसके लिए मैं वहाँ पर था, थोड़ा सा काम था, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जा रहा था। मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं, कि उनकी 12 मासी थी बड़े भैया उनके पिताजी की। आप होप करता हूँ आप सब भी जानते होंगे, शायद उनके नाम से जानते होंगे, हमारे तो बड़े पापा जी लगते थे, हम तो बड़े पापा जी कहते थे, और सब उनका नाम था जो उनसे थोड़े बहुत छोटे थे और उम्र में, तो वो बोलते थे उनसे राजा भैया, तो उनका नाम भी यही था, मिस्टर राजा चौधरी। होप करता हूँ आप सब जानते होंगे। तो उनकी कल 12 मासी थी, तो इसी के वजह से वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत काम वाम दिखवा रहा था, तो अभी भी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। आपको वहाँ भी बताता हूँ, बहुत अच्छा टेंटमेंट बहुत अच्छा सजा हुआ है, बहुत अच्छा टेंटमेंट खिंचा हुआ है, बहुत दिन पहले से काम लगा था, कल बिल्कुल पूरा काम सक्सेस हो चुका है। आप देख सकते हो खाना वाना, ये खाना ये बन रहा है, और ये टेंट देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, बैरहाउस खाएँ, तो ये देख सकते हो बैरहाउस खाएँ एक नंबर खिंचा हुआ है। अब जाना पड़ रहा है बरेली, बहुत काम है, देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर खाना बन रहा है, और ये सब लोगों को बैठने की जगह, कल ही बहुत अच्छा हो, कल आज से अच्छा ब्लॉग शूट होगा, तो कल का ब्लॉग तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सा तैयारी इतने पहले से हो रही, तो वो कल के लिए हो रही, कल बहुत अच्छा होने वाला है ब्लॉग। और यहाँ पर पार्किंग के लिए तालाबी एक नंबर कर दिया है, देख सकते हो लोग खतरनाक, और यहाँ पर ज़्यादा पानी आ रहा था, तो फिर थोड़ा सा जनरेटर मन्नेटर रख के पूरा पानी कर दिया मछुआई में। ये एक नंबर तालाब वाला सब, बहुत दिन पहले से तालाब तो बहुत ही ज़्यादा दिन पहले से साफ करवाया है, अब लेकिन पानी भराएगा, बिल्कुल साफ भराएगा पानी भी। सो गाइस, अभी देख सकते हो बारी डाल रहे हैं ठंडी होने के लिए, पहले माता भाई जाएंगे उसके बाद ठंडी होने के लिए जाएंगे। तो अभी थोड़े देवता आ रहे थे, आपको देवता के दर्शन कराता हूँ और बारी के दर्शन भी कर लेना। सो गाइस, ये आ रहा है देवता और ये रही बारी। हमारे इधर भाईचारों की पूजन हो रही है। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या। सो गाइस, शाम के टाइम में मैं दादाजी के पास भी आ गया था, तो अभी दादाजी के
जहाँ पर स्थान है दादाजी का, वहाँ पर अंदर जा रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ अंदर। तो तीन गेटों से अंदर आ चुका हूँ, तो अब मेन गेट आ रहा है, उसके बाद सीधे दादाजी के पास। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इससे, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार है, तो जग भी भराना था वहाँ पर, यहाँ पर छींद में, छींद धाम में थोड़ा जग भी भराना था, तो आज शायद भंडारा था आज बहुत बड़ा वाला। तो ये देख सकते हो गाइस शंकर भगवान, गाइस ये रहे राम भगवान। तो गाइस बहुत खटखट उगल देता हूँ क्योंकि पागल गुरु जी खड़े थे, हट से यहाँ से कैमरा क्या जय राम। और गाइस ये देखो बहुत बड़ा भंडारा ये हो रहा है, ये देख सकते हो आप, दिन में बहुत ज़्यादा बड़ा भंडारा रहा था, तो अभी पब्लिक कम है, नहीं तो अभी भी अच्छी पब्लिक दिखाती और एक नंबर, और अभी भी वो एक नंबर है। दादा एक दर्शन नहीं करवा पाया, ये देख सकते हो बाहर भी एकदम पब्लिक सही है। सो गाइस यहाँ से मेरे को छीन से निकलते निकलते शाम हो गई, क्योंकि मैं भंडारे में प्रसाद पाने के बाद फिर अब घर जा रहा हूँ, तो घर जाने के बाद फिर दादा एक दर्शन करवा दूँगा आपको।